हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेट है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, ऑनलाइन एग्ज़ाम। सो इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, पर अब क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो अब मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला है। सो सॉरी इतने दिन कोई भी वीडियो नहीं आने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयां हो और आशा करता हूँ कि ये साल आप लोगों के लिए अच्छा बीते। 2020 तो एकदम ही बेकार गया, खैर वो सब छोड़िए। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 इच्ची प्लस एनिमे। तो आज मैं जिन 10 एनिमे के बारे में बताऊंगा वो 10 इच्ची एनिमेस, मतलब इच्ची से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब वो हेंताई नहीं है बट वो इच्ची से ज़्यादा है। सो जिन लोगों को भी इच्ची एनिमेस पसंद है वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एंट्रो लगाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इच्ची प्लस में 10वें नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है हाई स्कूल ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, ये एक एक्शन हॉरर सुपरनैचुरल एंड इच्ची एनिमे है, तो इस एनिमे का इच्ची थोड़ा ज़्यादा ही है। एनिमे देखना सब समझ जाओगे। सो इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक दिन एक स्कूल में एक ज़ॉम्बी आता है और वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को उन ज़ॉम्बी से ही फाइट करके सर्वाइव करना पड़ेगा लास्ट तक। इसी टॉपिक पे है ये एनिमे। सो देखना फ्रेंड्स, हमारे मेन कैरेक्टर कैसे इन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं। सो इस एनिमे का एक गनशॉट वाला सीन है, वो सीन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो जब ये एनिमे देखना तो वो सीन भी अच्छे से देखना क्योंकि काफ़ी मज़ेदार सीन है वो गनशॉट वाला सीन। सो माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 7.19 एंड इसका 12 ही एपिसोड है, इसका वन सीजन है और एक ओवी एपिसोड भी है जो कि कुछ ज़्यादा ही इच्ची है, तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। तो नंबर 9 पे जो एनिमे है उसका नाम है मॉन्स्टर मुसुमेनो ओइसेसान। सो ये एक कॉमेडी रोमांस इच्ची फैंटेसी एंड हारेम एनिमे है। सो इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि जापान में मॉन्स्टर और इंसान दोनों अभी रहते हैं, पर जापान का एक रूल है कि एक नियम है, एक कानून है वैसे, कि ह्यूमन एंड मॉन्स्टर्स एक साथ नहीं रह सकते। मतलब एक शहर में तो वो रह सकते हैं पर एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। तो बेसिकली इसी पे है हमारा ये एनिमे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पहले से ही एक स्नेक गर्ल के साथ रहता है, तो जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक नहीं काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहने लगेंगे और ऐसे ही ये एनिमे एक इच्ची एनिमे भी बनेगा और हारेम भी। तो अगर आपको इच्ची हारेम दोनों ही पसंद है तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। माय एनिमे लिस्ट पे इस एनिमे का रेटिंग है 6.53 एंड इसका बस 12 ही एपिसोड्स है और एक ही सीजन है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। तो नंबर 8 पे जो एनिमे है उसका नाम है व्हाई द हेल आर यू हेयर टीचर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने गार्डन ऑफ द वर्ड्स मूवी देखा है तो इस एनिमे का स्टोरी भी काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि उस एनिमे में एक टीचर और एक स्टूडेंट था, पर इस एनिमे में एक से ज़्यादा टीचर और एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स है। सो जिन्होंने गार्डन ऑफ द वर्ड्स मूवी नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस एनिमे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे टीचर्स हैं और उन स्टूडेंट्स को उन टीचर्स से प्यार हो जाता है और ऐसे ही ये एनिमे आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे उनका लव स्टोरी आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही इच्ची भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इस एनिमे। सो बेसिकली अगर आप गार्डन ऑफ द वर्ड्स का इच्ची वर्शन ढूंढ रहे हैं तो यही है गार्डन ऑफ द वर्ड्स का इच्ची वर्शन, तो ट्राई ज़रूर करना एक बार। माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 6.47 एंड इसका बस 12 भी एपिसोड है और एक ही सीजन है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका एक अनसेंसर्ड वर्शन है जो कि आपको शायद इंग्लिश डब में नहीं मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप अनसेंसर्ड वर्शन ही देखिए क्योंकि
उसमें ही मज़ा आएगा यार, सेंसर वर्शन में उतना मज़ा नहीं आता है। मैंने सेंसर वर्शन देखा था, मतलब फर्स्ट एपिसोड मैंने अनसेंसर डाउनलोड किया था, फर्स्ट एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने सेंसर वर्शन देखा पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस अनसेंसर वर्शन में चला गया। तो यार इच्छी देख रहे हो, सेंसर देख के क्या करोगे, ये तुम्हारे टीवी में हो रहा है क्या, सेंसर देखोगे तो यार अनसेंसर ही देखो, मज़ा आएगा। सो बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। तो नंबर 7 पे जो एनिमे है उसका नाम है किस एक्सिस। तो यार नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग कि इच्ची किन लोगों के बीच में होगा। तो ये कॉमेडी इच्ची हारेम एंड स्कूल एनिमे है। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक है, और उसकी दो बहनें हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करते करते ही अपने भाई से, या क्या बोलो, समझ गए होंगे आप लोग। सो यार अगर आपको इच्छी पसंद है तो ट्राई करना इस एनिमे को, और ये एनिमे सिर्फ सब में ही अवेलेबल है, इसका कोई डब वर्शन नहीं है। तो इस एनिमे का 12 एपिसोड है और ओवीए भी है, और ये ओवीए शायद 12 ही है, मतलब टोटल 24 एपिसोड्स है। तो माई एनिमल इस पे इसका रेटिंग है 6.71। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। सो नंबर 6 पे जो एनिमे है उसका नाम है सेकिरे। फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पे सेकिरे के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली उस एनिमे को जाके देख सकते हैं। सो इस एनिमे का स्टोरी कुछ जैजवेल के जैसा है। अगर आपने बचपन में जैजवेल देखा है तो आपको पता होगा कि जैज एक ममोडो है, और कियो टाकामिने एक ह्यूमन था जिनको एक साथ मिलके ममोडो बैटल लड़ना पड़ता है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है सेकिरेई के साथ। सेकिरेई एनिमे में सेकिरेई होते हैं और ह्यूमन मास्टर्स होते हैं, और उन लोगों को एक दूसरे से बैटल करना पड़ता है। पर ये एनिमे जैजवेल से एक जगह पे अलग है कि जैजवेल में एक ह्यूमन पार्टनर का एक ही ममोडो हो सकता था, पर इस एनिमे में ह्यूमन पार्टनर का काफ़ी सारे सेकिरेस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये एक एक्शन कॉमेडी इच्ची एंड हारेम एनिमे है, और इसमें तो इच्ची मतलब इसका एक ही वर्शन है सेंसर वर्शन, और उसमें ही बहुत ज़्यादा इच्ची है। तो अगर आपको इच्ची पसंद है तो ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना, और इस एनिमे का 12 एपिसोड है और 2 सीजन्स है, तो दोनों ही ट्राई करना, दोनों ही अच्छे हैं। मैंने काफ़ी समय पहले ये एनिमे देखा था। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। सो नंबर 5 पे जो एनिमे है उसका नाम है हाई स्कूल DxD। हाँ फ्रेंड्स ये एनिमे काफ़ी टॉप 10 एनिमेज में नंबर 1 पे आता है, पर मेरे टॉप 10 लिस्ट में ये नंबर 5 पे आया है, क्योंकि ये एक इच्ची प्लस एनिमे के ऊपर वीडियो है। तो समझ ही सकते हो कि जो नंबर 1 पे है वो कितना ज़्यादा इच्ची होगा। फ्रेंड्स हाई स्कूल DxD के बारे में तो और बताने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने हाई स्कूल DxD तो पहले ही देख चुके होंगे। तो फिर भी अगर कोई ऐसा बंदा बचा है जिसने हाई स्कूल DxD अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बस थोड़ा सा। तो इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसे हियोडो, बहुत ही फेमस है हमारा मेन कैरेक्टर वैसे, तो वो बहुत ही थरकी लड़का है, और वो एक हारेम किंग बनना चाहता है, पता नहीं ऐसा क्यों, पर वो बनना चाहता है हारेम किंग। तो क्या कर सकते हैं, हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है, तो बनना चाहता है, और वो मतलब अब तक मतलब उससे कोई भी लड़की नहीं पटी है, तो इसी के ऊपर है ये एनिमी, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो उसे एक लड़की मिलती है, और मतलब और वो उस लड़की के साथ डेट पे जाता है, और डेट पे जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो लड़की एक डीमन है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है। तो ऐसे स्टोरी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि यहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा बचता है या नहीं, ये तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। बाय द वे ये काफ़ी ज़्यादा इच्ची एनिमे तो है ही, बट साथ ही साथ इस एनिमे का स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है। इस एनिमे के कुल 4 सीजन्स है, और शायद 5वां सीजन भी आएगा,
पता नहीं कब आएगा बट आएगा जरूर। तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, अगर आप एक इच्ची फैन है तो जरूर से जरूर ट्राई करना। तो माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 7.41 एंड जैसे कि मैंने बताया इसका 4 सीजन है और हर एक सीजन में 12 एपिसोड्स है। तो नंबर 4 पे जो एनिमे है उसका नाम है पीटर ग्रिल एंड ये एक हारेम कॉमेडी इच्ची फैंटेसी एनिमे है और माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 5.55। वाह क्या रेटिंग है, सारी के सारी 5 है। सो इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करने का उसने प्रॉमिस भी कर दिया है उस लड़की से कि वो उसी से शादी करेगा। वो हमारे इस हीरो के जैसा नहीं है कि प्रॉमिस करके भी दूसरे लड़कियों के पीछे लाइन मारता है, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब वो किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं है बट उसका किस्मत इतना ज़रा खराब है कि उसे हर एक एपिसोड में एक नया लड़की ज़रूर से ज़रूर मिल जाता है और ना चाहते हुए भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना कि मतलब देखना कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना प्रॉमिस निभा पाता है या नहीं या फिर वो इसे ही ओडो की तरह ही बन जाता है। तो देखना, ये एनिमे देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और इस एनिमे का शायद हर एक एपिसोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, 11 या 12 मिनट का ही है और इसका शायद 12 ही एपिसोड है। ट्राई करना इस एनिमे को। और ये एनिमे 2020 में ही निकला है और आपको इस एनिमे का डब और सब दोनों वर्षन ही मिल जाएगा। तो नंबर 3 पे जो एनिमे है उसका नाम है द टेस्टमेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। ये एक एक्शन एची फैंटेसी रोमांस एंड हारेम एनिमे है। माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 6.83। तो इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका जो डैड है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक दिन एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और ले जाने के बाद उसे एक लड़की से मिलवाता है और कहते हैं कि वो आज से मतलब वो लड़की आज से हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टर है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो जो लड़की है वो एक डेविल है, बल्कि वो डेविल क्वीन है। मतलब डेविल क्वीन नहीं कहूँगा, मतलब डेविल किंग जो है उसका डॉटर है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी हीरो क्लैन से बिलोंग करता है जो कि क्लैन है मतलब जो डेविल से लड़ाई करते हैं। बेसिकली वो दोनों आपस में दुश्मन है पर जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगा आप लोग देखना कि वो दोनों दुश्मन क्लैन से होने के बावजूद भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं, मतलब दोस्त नहीं भाई बहन बनते हैं। और इस एनिमे इच्ची बहुत ही ज़्यादा है, आप सोच ही सकते हैं ये एनिमे नंबर 3 पे है तो इसमें कितना ज़्यादा इच्ची होगा। काफ़ी ज़्यादा इच्ची है इसमें। तो ट्राई करना, अगर आपको इच्ची एनिमे काफ़ी पसंद है तो इस एनिमे को तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको। और इस एनिमे का 2 सीजन है और हर एक सीजन में 12 एपिसोड्स है और ये एनिमे आपको डब एंड सब दोनों में मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे जो एनिमे है उसका नाम है इसुजुकु रिव्यूअर्स। ये कॉमेडी इच्ची एंड फैंटेसी एनिमे है और माय एनिमे लिस्ट पे इसका रेटिंग है 7.60 और ये एनिमे 2020 में ही एयर हुआ है। और सबसे खास बात ये है इस एनिमे का कि इस एनिमे का भी एक अनसेंसर्ड वर्शन है। तो इस एनिमे का स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने लायक, आप लोग खुद जाके देख लो। मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी फ्रेंड्स, बट इस एनिमे को आप खुद जाके ट्राई कर लो, मतलब मुझसे ये एक्सप्लेन नहीं होगा। आप जाके ट्राई करो ना, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इच्ची पसंद है तो ट्राई करो इसको, काफ़ी ज़्यादा इच्ची है इसमें। तो इस एनिम का 12 एपिसोड है और एक ही सीजन है और इसका सेंसर अनसेंसर दोनों वर्शन है, जो चाहिए देख लो, अनसेंसर ही देखना तो ही मज़ा आएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की ओर। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो एनिमे है तो सोच रहा हूँ कि वो एनिमे क्यों है, मतलब उसके जॉनरे में लिखा है कि वो एक इच्ची एनिमे है बट वो उस एनिमे को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो एक इच्ची एनिमे है। इसका मतलब ये नहीं है कि इच्ची कम हुआ है, मतलब इच्ची इतना ज़्यादा है कि उसने बॉर्डर ही क्रॉस कर दिया। मतलब वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे उन लोगों ने इच्ची जॉनर में क्यों रखा है। उसके जॉनर में हेंताई लिखा होना चाहिए था वजह इच्ची के। तो इस एनिमे का स्टोरी भी कुछ किस एक्सिस जैसा ही है,
बस फ़र्क इतना है कि किस इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही डरपोक वाला था, मतलब डरपोक जैसा ही था, बट इस एनीमे में थोड़ा अलग है, हमारा मेन कैरेक्टर उतना डरपोक नहीं है, बाकी सब एक ही जैसा है। और किस एक्सिस से काफ़ी ज़्यादा इच्ची है इसमें, इच्ची छोड़ो यार, इच्ची क्या बोलूँ, इच्ची छोड़ो यार, उसमें इच्ची नहीं है वो हेंताई सेंस है, इच्ची नहीं है वो, बट इसके जॉनर में इच्ची लिखा है, मुझे नहीं पता क्यों लिखा है इसके। तो इसका नाम है ओवरब्लो और इसका अनसेंसर्ड वर्शन ही है, मतलब सेंसर्ड वर्शन मैंने देखा ही नहीं है तो मैं कह नहीं सकता कि सेंसर्ड वर्शन में वो सब सीन्स है या नहीं, बट अनसेंसर्ड वर्शन में क्या बोलूँ और क्या बोल और क्या बोलूँ और इसका स्टोरी क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। वो हमारा मेन कैरेक्टर है इस एनीमे और उसकी दो बहनें हैं और उसके साथ एक हेंताई ऐड कर दो तो जो बनेगा वो ही इस एनीमे का रिजल्ट है। तो खास मतलब कुछ है नहीं इस एनीमे का स्टोरी, मतलब जो लोग हेंताई देखना नहीं चाहते हैं वो इस एनीमे के देख लो, हेंताई से क्या बोलूँ, हेंताई देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एनीमे काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस एनीमे को नंबर वन पे रखा है क्योंकि इसका जो इच्ची सीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स ये तो हो गए सारे 10 के 10 इच्ची प्लस एनीमे। फ्रेंड्स अगर आप एक इच्ची फैन है तो जाइए जाके इन 10 के 10 एनिमीज देखिए और फिर बताइए कि आपको ये सारे एनिमीज कैसे लगे, इच्ची में इच्ची जॉनर में ये एनिमीज आपको कैसे लगे, जरूर कमेंट करना, पहले देख लो उसके बाद कमेंट करना। और अगर आपने इन सारे एनिमीज को पहले ही देख लिया है तो और क्या कहूँ, आप एक ट्रू इच्ची फैन है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल वाला आइकॉन है उसे भी जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही एक और टॉप 10 वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा। Through the sun.